जय जिनेन्द्र। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम ESR के बारे में, जिसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी कहते हैं। एक बहुत सिग्निफिकेंट टेस्ट नहीं है, लेकिन कई बार इसका बहुत ज्यादा होना काफी परेशान कर देता है, और इसके ज्यादा होने पर बहुत सारे कयास लगाए जाते हैं कि बॉडी में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये जो टेस्ट है, इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा ना होते हुए भी कई बार बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर ये हाई आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, और जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप कैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं, ये असर को भी ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके और आप मेरे वीडियोस का लाभ ले सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है एक CBC के साथ किया जाने वाला टेस्ट है। मेल में अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0 से 22 mm पर आवर के लगभग ये होती है, और फीमेल में अगर बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 0 से 29 mm पर आवर तक होती है। तो ये क्या है, एरिथ्रोसाइट यानी कि RBC, सेडिमेंटेशन यानी नीचे जमना, और रेट यानी दर। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपका ब्लड लिया जाता है उसमें कुछ भी केमिकल या जो भी टेस्ट के लिए जरूरी लिक्विड होता है वो मिला दिया जाता है, और फिर उसको एक घंटे तक या पर्टिकुलर एक टाइम के लिए रखा जाता है, जिससे क्या होता है अगर नीचे जो एरिथ्रोसाइट जो होती है वो जमती है तो उसको देखा जाता है कि वो किस दर से जम रही है। तो नॉर्मली जो मैंने आपको रेशियो बताया, अगर इस रेशियो में आता है तो कहा जाता है कि ESR नॉर्मल है, और अगर इससे ज़्यादा होता है तो कहा जाता है कि आपका ESR बढ़ा हुआ। तो क्या क्या कारण होते हैं इसके पीछे, क्यों ESR बढ़ जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ESR कई बार नॉर्मल कंडीशंस में भी बड़े होते हैं, जिनको हम नॉर्मल कहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी एक नॉर्मल कंडीशन है, स्टिल आपका ESR उसमें ज़्यादा आ सकता है। मेंस्ट्रुएशन के समय हो सकता है लेडीज़ में कि ESR बढ़ा हुआ है। फीवर, हेडेक भी ऐसी कंडीशन है जब कई बार ESR बढ़ा हुआ आ सकता है। जॉइंट की स्टिफनेस हुई, आपका नेक में या शोल्डर में पेन हो रहा है, जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाला पेन कह सकते हैं। अगर इस तरह का पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कई बार आपका ESR बढ़ जाता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि आपके बॉडी में कहीं अगर इन्फेक्शन हो रहा है या सूजन आ रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन भी ऐसी कंडीशंस हैं जो बिल्कुल नॉर्मल होते हुए भी कई बार आपके शरीर में सूजन कॉज कर देती है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देती है, स्वेलिंग ला देती है। तो उस समय भी आपका ESR बड़ा हो सकता है, तो उस समय आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल फिनोमेना है। अपने आप जब ये चीज़ें ओवर होती है तब जो ESR है वो नॉर्मल हो जाएगा और आपकी बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है कि थोड़ा सा ESR लेवल बढ़ा हुआ या ज़्यादा ESR बढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ESR बढ़ा हुआ या ज़्यादा ESR बढ़ा हुआ, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा 100 से ऊपर ESR बढ़ा हुआ है तो ये काफ़ी टिपिकल कंडीशन हो सकती है, उस समय आपको ज़रूर उस पर एक्शन लेना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब थोड़ा सा ESR बढ़ा हुआ तो मैं यही बता रही हूँ कि अगर मेंसेस है, प्रेगनेंसी है, या हल्की आपके शरीर में सूजन है, फीवर आया है, और उस समय अगर आपका ESR हल्का सा बढ़ा हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन देता है कि आपके शरीर में सूजन या इन्फेक्शन बना हुआ है। इन्फेक्शन वायरल, बैक्टीरियल, फंगल किसी भी टाइप का हो सकता है, और सूजन भी जो है वो शरीर में नॉर्मल सूजन भी हो सकती है, जैसे कि मेंसेस में नॉर्मल सूजन आती है, प्रेगनेंसी में भी कहीं शरीर में, पैरों में जैसे नॉर्मल सूजन आ जाती है। तो नॉर्मल सूजन जो अपने आप रिकवर हो सकती है उस कंडीशन में भी, और घातक सूजन में भी ESR आपका बड़ा हो सकता है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि हार्ट डिजीज है तो वो थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि हार्ट डिजीज में आपका ESR बढ़ा हुआ है तो आपको हार्ट डिजीज पे ट्रीटमेंट करना है। तो कहने का मतलब यही है कि थायराइड की डिजीज है या हार्ट की डिजीज है, वास्कुलर यानी कि आपको नसों की कोई बीमारी, उसमें भी आपका ESR बढ़ा हो सकता है, और नॉर्मल कंडीशन में भी ESR बढ़ा हो सकता है। इसका मतलब अगर आपका ESR बढ़ा हुआ है तो एक चीज फैक्ट है कि आपका कहीं ना कहीं शरीर में सूजन या इन्फेक्शन है। तो आप पता लगाइए कि कहाँ पे सूजन हो सकती है, कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। इवन छोटे मोटे वेट लॉस में भी, अगर जैसे आपने थोड़ा सा रैपिड वेट लॉस कर लिया है तो भी हो सकता है कि आपका ESR जो है वो बढ़ा हुआ आ जाए। एनीमिया की कंडीशन है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी बहुत समय तक आपने कुछ खाया पिया अच्छे से नहीं है, या आपका भूख ही कम हो गई है, तो वो कब हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम है, या आपका बॉडी में जो है डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, कब्ज बनी हुई है, तो उस कंडीशन में भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, और उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका ESR बढ़ा हुआ।
अगर आप डिजीज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हार्ट डिजीज भी ऐसी है जिसके अंदर आपको ESR बढ़ा हुआ दिख सकता है। वास्कुलर डिजीज वेन्स की बीमारी में भी हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कंडीशन होती है जिसमें जॉइंट्स पेन या स्टिफनेस की प्रॉब्लम होती है, आपके शरीर में जगह जगह सूजन और दर्द की समस्या होती है, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपका ESR बढ़ा हुआ। लंग्स की डिजीज जो होती है, जैसे कि सिंपल आपको लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया तो बहुत बड़ी चीज हो गई, सिंपल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। कोल्ड कफ अगर आपका बहुत ज्यादा वायलेंट हुआ है उस समय भी हो सकता है कि आपका ESR जो है बढ़ा हुआ है। तो अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप ESR को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि कारण जो है ESR बढ़े हुए होने के पीछे वो आप पता लगाइए। जो जो चीजें मैंने बताई है वो आप देखिए कि कहीं बॉडी में इस तरह के कोई चेंजेस तो नहीं, नॉर्मल चेंजेस तो नहीं, जैसे हेडेक, फीवर, मेंसेस, प्रेगनेंसी, ये जो चीजें ऐसी हैं जो ध्यान में देने लायक चीज है कि अगर इन चीजों के अलावा आपको अगर ESR बढ़ा हुआ आ रहा है, शरीर में कहीं इन्फेक्शन भी नहीं हुआ, इंजरी, यहाँ तक कि इंजरी में भी आपके शरीर में सूजन आ सकती है और उस समय आपको हो सकता है कि आपका ESR बढ़ा हो, तो अगर नॉर्मल कंडीशंस नहीं है उसके बावजूद ESR बढ़ा हुआ है तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपके शरीर में कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और जैसी ही आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपका ESR भी ठीक होता है और वो प्रॉब्लम भी ठीक होने में आपकी मदद मिलती है। तो अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जैसा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो ही मेडिसिन आपको लेनी है जो आपको प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आपका ESR बढ़ा है। स्टिल अगर आपके शरीर में बहुत थकान बनी हुई है और आपको वीकनेस महसूस हो रही है, इसके अलावा आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपको कौन सी बीमारी, आप सारे टेस्ट करवा चुके हैं फिर भी आपका ESR बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है वो है एविना सटाइवा मदर टिंचर। एविना सटाइवा मदर टिंचर, अगर आपने मैंने पहले वीकनेस वाले वीडियो देखे हैं कि आपको अगर शरीर में चुस्ती दुरुस्ती चाहिए, वीकनेस अगर आप कम करना चाहते हैं तो एविना सटाइवा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो एविना सटाइवा न केवल आपके शरीर में वाइटलिटी को बूस्ट करती है बल्कि अगर आपके शरीर में कहीं भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन है या सूजन आ रही है और कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको घटाने में आपकी मदद करती है। यहाँ तक कि सर्दी जुकाम जिन लोगों को बार बार होता है और बार बार एलर्जी से जो लोग परेशान होते हैं वो लोग भी इस मेडिसिन को ले सकते हैं। कैसे लेनी है, 10 बूंद सुबह दोपहर शाम करके दिन में आधा कप पानी में आप 3 बार इसको ले सकते हैं। और अगर इसकी वजह से, वीकनेस की वजह से, थकावट की वजह से अगर आपका ESR बढ़ा होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, आपकी थकावट वगैरह भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है जिंको बैलोबा। जिंको बैलोबा जो मेडिसिन है, आपने अगर मैंने एंटी एजिंग के वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने आपको बताया कि मेडिसिन आपको जवान बनाए रखने में मदद करती है। मतलब क्या है, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, हल्के फुल्के बॉडी डीजेनरेशन में जा रही है, बहुत ज़्यादा आप थकान महसूस कर रहे हैं, उम्र से आप ज़्यादा अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहे हैं या आपकी वाइटलिटी कहीं हो गई, तो भी ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। और अगर थकान, हल्की सूजन और शरीर में आपकी अगर स्वेलिंग जैसा आपको महसूस होता है किसी भी वजह से, हल्का फुल्का अगर सूजन है और ESR बढ़ा हुआ है, तो ये मेडिसिन आपको उसमें भी हेल्प करेगी। जिंको बैलोबा मदर टिंचर 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप चाहें तो इनको अलग अलग लें, और अगर आप मिक्स करके लेते हैं तो दोनों मेडिसिन मिक्स करने के बाद आप 20 बूंद करके दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके भी ले सकते हैं। अलग अलग लेना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं, सेम रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा 2 मेडिसिन और हैं जो आपको ESR अगर बहुत बढ़े हुए हों, आपको हल्की थकान है या सूजन है शरीर में, कम कम भी सी छूट रही है, फीवर जैसी आपको कंडीशन है, हेडेक जैसी कंडीशन है और बाकी आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है उसकी वजह से आपका ESR बढ़ा हुआ है, तो 2 मेडिसिन आप और यूज कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन में से पहली मेडिसिन है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 उस कंडीशन में बहुत यूजफुल है, फीवर के केसेस में आपने देखा होगा बेलाडोना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ की जाती है, हेडेक में बहुत यूज़ की जाती है, लेकिन बेलाडोना जो है आपके शरीर के ओवरऑल सूजन को घटाने में भी मदद करती है। अगर आपके शरीर में कहीं भी सूजन है, कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है और चेहरा आपका लाल हो रहा है या कहीं पे भी बॉडी में रेडनेस बनी हुई है तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये आपको 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके लेनी है तो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है जलसेमियम 30। जलसेमियम 30 आपको किस कंडीशन में लेनी है, जब आपको बहुत ज़्यादा स्टिफनेस महसूस हो रही है बॉडी में, हेडेक बना हुआ है या जकड़न सी महसूस हो रही है आपको, पीछे सिर में जकड़न महसूस हो रही है, आपको जॉइंट्स में हल्की स्टिफनेस महसूस हो रही है और थकान इतनी ज़्यादा है कि आपको आंखें खोलने की भी इच्छा नहीं होती, अगर इस तरह की कंडीशन है
तो JLSMM 30 बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये भी आपको उसी कंडीशन में लेनी है जब आपको पता नहीं चल रहा है कि आखिर आपका ESR किस वजह से बढ़ा हुआ है, शरीर में कहीं भी सुस्ती, थकान और सूजन बनी हुई है, तो ये तीनों ही मेडिसिन, चारों ही मेडिसिन बहुत यूजफुल है, आप ले सकते हैं। और आपकी जो थकान, सूजन, हल्की इन्फेक्शन जो है उसको भी ये मेडिसिन खत्म करेगी और आपका जो ESR बढ़ा हुआ है उसको भी ठीक कर देगी। तो JLSMM 30 की भी आपको रिपीटेशन यही रखना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम करके लेना है। आपकी जो कंडीशन है, जो थकान है, जो ESR बढ़ा हुआ है, उस सब में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। एक बार मैं फिर से यही कहना चाहूँगी कि ESR अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसके पीछे का कारण हम पता लगाएं, उसके अकॉर्डिंग आप होम्योपैथिक मेडिसिन लें, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, ESR भी नॉर्मल हो जाएगा और जो प्रॉब्लम जिससे आप सफ़र कर रहे हैं उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।